गुड मॉर्निंग बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला में आज आपका स्वागत। बच्चों आज हम ब्रिज अर्थात सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिज अर्थात सर्कल कहते किसको हैं? किसी समतल सतह पर ऐसे बिंदुओं का पाथ अर्थात रास्ता जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ ओशन बिंदु का पाथ ले लिया। अब इस बिंदु का यहां पर एक स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से इस बिंदु की दूरी मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, फिर इस बिंदु का इस स्थिर बिंदु से दूरी 3 सेंटीमीटर लिया, फिर इस बिंदु का इस स्थिर बिंदु से दूरी 3 सेंटीमीटर लिया। इस प्रकार जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदु का इस स्थिर बिंदु से दूरी 3-3 सेंटीमीटर हो, अर्थात सभी बिंदुओं का स्थिर बिंदु से दूरी बराबर हो, तो इस प्रकार एक मेरा गोल रास्ता बन जाएगा। तो मैंने ये जो रास्ता बन गया इसी को हम ब्रिज कहते हैं। अब इस ब्रिज के कुछ पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? चलिए मैं एक एक करके चर्चा करता हूं। वृत्त के भाग, पहला केंद्र अर्थात सेंटर। वृत्त के अंदर मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। मैंने एक वृत्त ले लिया और इसके बीचों बीच एक बिंदु जिसको ओ से सूचित कर रहे हैं, ये बिंदु एकदम इस वृत्त के बीचों बीच है, अर्थात इस बिंदु का वृत्त से सभी जगह दूरी इनका बराबर हो तो ये मुझे केंद्र प्राप्त होता है, अर्थात ये वृत्त का केंद्र है। नेक्स्ट त्रिज्या अर्थात रेडियस। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु एवं केंद्र को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मैंने एक यह वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O और इस वृत्त पर एक बिंदु A ले लिया। अब ये केंद्र और वृत्त पर स्थित एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा अर्थात OA, तो ये त्रिज्या बन गया। अब अगर एक वृत्त लेते हैं और उस केंद्र से हम कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार अनंत खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वृत्त में त्रिज्या की संख्या अनंत होती है, अर्थात अनगिनत त्रिज्या हम ड्रॉ कर सकते हैं एक वृत्त। नेक्स्ट जीवा अर्थात को। वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। मैंने एक वृत्त ले लिया, इस वृत्त पर एक बिंदु ए और एक दूसरा बिंदु बी। इस वृत्त के दो बिंदु को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं जो यहां पर दिखाया गया ए और बी, तो ए भी एक जीवा है। अब वृत्त पर कितनी संख्या में हम जीवा को ड्रॉ कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी हम खींच सकते हैं जो कि इसकी संख्या अनगिनत होती है, अर्थात वृत्त में जीवा की संख्या अनंत होती है।
एक मैंने चर्चा किया चाप, चाप अर्थात आर्क कहते हैं इसको। चाप वृत्त का एक भाग है अर्थात वृत्त का एक टुकड़ा है। मैंने वृत्त ले लिया, इस वृत्त का एक पार्ट ए बी जो मैंने इस प्रकार यहां दिखाया, तो ये जो ए बी है वो एक चाप है किसी वृत्त का। नेक्स्ट व्यास, व्यास किसको कहते हैं अर्थात डायमीटर। वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा, वह सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाता है। मैंने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र हो दो बिंदु वृत्त पर, एक ए और एक बी। अब ये ए बी जो सबसे बड़ी जीवा है वो मैंने इसको लिया जो कि केंद्र ओ से गुजर रहा है, तो ये जीवा ए बी वृत्त का व्यास कहलाएगा। अगर हम इस वृत्त पर व्यास की संख्या अगर हम जानना चाहेंगे कि एक वृत्त पर कितनी संख्या में व्यास अर्थात डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, तो भी हम अनंत ड्रॉ कर सकते हैं। तो वृत्त में व्यास की संख्या अनंत होती है। नेक्स्ट त्रिज्याखंड अर्थात सेक्टर, सेक्टर कहते हैं इसको। तो वृत्त के दो त्रिज्या एवं उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। मैंने वृत्त ले लिया जिसका केंद्र ओ है और एक त्रिज्या OA और एक त्रिज्या OB। तो एक त्रिज्या OA और OB और उसका संगत चाप AB यहां पर मैंने दिखा दिया, तो ये जो पार्ट है ओ ए बी एक वृत्त का त्रिज्याखंड है। मैं आपको चित्र के द्वारा इसको और क्लियर करना चाहता हूं। ये इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक मेरा पूर्ण वृत्त है। अगर इस टुकड़े को काट के निकाल लेंगे तो ये जो टुकड़ा है वो त्रिज्याखंड है इस वृत्त का। नेक्स्ट वृत्त खंड अर्थात सेगमेंट ऑफ सर्कल। वृत्त के जीवा एवं उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। मैंने एक वृत्त ले लिया, अब ये ए बी एक जीवा है और ये संगत इसका चाप है और ये टुकड़ा जो है वो वृत्त खंड है। दूसरा वृत्त मैंने इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये एक पूर्ण वृत्त हो गया। अब ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा हम कहते हैं वृत्त खंड जो इस प्रकार यहां दिखाया गया है। ये तो आज मैंने वृत्त और उसके प्रमुख भागों के बारे में विस्तार से चर्चा किए। धन्यवाद।